कोई पीआर एक्सरसाइज नहीं है, ना उनको पीआर की कोई जरूरत है। संजू अपने आप में एक ब्रांड है, एक बिकने वाली चीज है, उसका नाम बिकता है। तो ये प्योर इट्स अ बिजनेस डील। हिरानी ने पैसा कमाने के लिए और संजय ने पैसा कमाने के लिए जो फिल्म बनाई है, ये कोई चैरिटी का काम नहीं है। जब पीआर शिप करके सज्जू का इमेज साफ करने की जरूरत है, जो हो गया वो होना, तो उसकी क्या सफाई करेंगे अभी। उसकी जो एक सिंपथी फैक्टर जो है सज्जू के हक में जाता था, उसका उसको कैश इन करने के लिए ये फिल्म बनाई गई। लेकिन 12 मार्च के ब्लास्ट के बाद जो पूरी इंक्वायरी थी बॉम्ब ब्लास्ट केस की, वो माही पुलिस स्टेशन से हो रही थी। याकूब मेमन जो ब्रदर थे, टाइगर मेमन, याकूब मेमन, उनका जो घर है वो माही पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पास है। तो क्योंकि वहाँ से सब पूरी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन हुई थी ब्लास्ट की, वहाँ पर 3-4 DCP जो उस समय के, जो राकेश मारिया वॉज वन ऑफ देम, YC पवार थे और वो पटनायक थे, तीनों इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे केस की। मैं जब गया 13 तारीख को, तो YC पवार गाड़ी में से निकल के, गाड़ी में बैठ के जा रहे थे कहीं, तो मैंने एक मिनट रोका उनको। रुकने के सर कोई आज की नई डेवलपमेंट कुछ, तो ही वजह ना हरी मुझे बोले आपके एक MP के बेटे का नाम आ रहा है, तो ज़रा देख लो। वो बॉम्बे के 6 MP थे, 6 के 6 मुझे जानते थे, तो इट वॉज़ अ बिग पजल। सब MP जो थे सुनील दत्त को छोड़ के सब महाराष्ट्रियन थे। तो रात को मैंने एक ऑफिसर को फ़ोन किया, उसने बोला काम करो कल माहिम आ जाओ, तो देखते हैं कुछ क्या कहा जा सकता है। तो मैं वहाँ चला गया पटनायक साहब से, अरू पटनायक, उनको जाके मिला तो बहुत बिजी सब लोग वहाँ पे। तो लकली इन द आफ्टरनून जब वो खाना खाने बैठे तो ही कॉल्ड मी। मैंने कहा सर मुझे एक्चुअली ये मालूम पड़ा था कि आपने किसी मेंबर पार्लियामेंट के बेटे को उठाया क्वेश्चनिंग के लिए। तो ही स्टार्टेड स्माइलिंग, बोलते नहीं किसी को उठाया नहीं है, तो ही इज़ शूटिंग अब्रॉड, जब आएगा तो देखेंगे। वो जब शूटिंग अब्राउड बोला तो आएगा तो देखेंगे, तो एवरीथिंग फेल इन लाइन। तो आई न्यू संजय दत्त वेरी वेल, तो डबल चेक तो मेरा हो गया था, क्रॉस चेक बहुत ज़रूरी था उसके लिए। मुझे सुनील दत्त से या संजय दत्त से बात करनी ज़रूरी थी, तो मैंने दत्त साहब के घर पे फ़ोन किया, तो किसी ने उठाया, इनके किसी नौकर ने, पीए ने, बोले दत्त साहब तो बाहर गए हुए अजंता आर्ट्स में बैंड्रा में, वहाँ पर फ़ोन किया, ही ऑल्सो न्यू मी वेल। तो वो बोलते दत्त साहब तो जर्मनी गए हैं, जयवलाल के पास या कहीं उनके जो दोस्त हैं वहाँ हो सकते हैं। लकली मैं जयवलाल जी को भी जानता था, उनके साथ मैंने स्टर्न मैगजीन में काम किया था कई स्टोरीज पे। तो मैंने जयवलाल को फ़ोन किया, उसको बोला दत्त साहब हैं तो मेरी उनसे बात करवा दो। तो बोला एक मिनट, थोड़ी देर के बोला दत्त साहब यहाँ तो नहीं है, वो लंदन चले गए। मैं समझ गया देर सम गड़बड़, ये एक मिनट बोला उसने बात नहीं करो, इट मीन्स सुनील दत्त वॉज देयर, यू नेवर वांट टू टॉक टू मी। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, उनको बोल देना कि ऐसे ऐसे संजय दत्त की कुछ इन्वॉल्वमेंट निकल रही है बॉम्ब ब्लास्ट केस में, तो अगर हो सके तो मेरे से बात कर लें, मैं कल स्टोरी अपनी छापने वाला। दत्त साहब का फ़ोन तो आया नहीं, संजय दत्त का फ़ोन आ गया मुझे ऑफिस के पे, बोलता आप डैडी को ढूंढ रहे थे, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, क्या बात है, कभी अंकल बोले मुझे, कभी भाई साहब बोले। तो मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे बात है, हमारे पास कोई वेपन है वो जमा करवा दो, नहीं तो तकलीफ़ में आ जाओगी। मैंने कहा भैया आपके कुछ दोस्त जो थे पकड़े गए, समीर गोरा, हनीफ कड़ा वाला, ये लोगों ने आपका नाम ले दिया कि आपके घर में देखिए 56 राइफल, कुछ हैंड ग्रेनेड, कुछ और स्मॉल वेपन्स आपके घर में रखी हैं, तो उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है। 16 तारीख को सुबह सुबह संजय दत्त का फ़ोन आया अमरीशे से कि मैंने डैडी से बात कर ली, ऐसी कोई बात नहीं है, एवरीथिंग विल बी सेटल्ड, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने फिर बोला, मैंने कहा संजय अगर आपके पास कोई वेपन है AK-56 जो पड़ी है, उसको आपने किसी सर्वेंट के हाथ में, PA से किसी को बोल के बैंड्रा पुलिस स्टेशन में जमा करवा दो, और जब आओगे तो आपकी स्टेटमेंट होगी और आर्म्स एक्ट का केस बनेगा, जल्दी छूट जाओगे। वो बोलता मैंने अपनी रक्षा के लिए ली थी। मैंने कहा संजय दिस इज़ एन AK-56 राइफल, दिस इज़ नॉट अ वेपन ऑफ डिफेंस, इट्स अ वेपन ऑफ ऑफेंस। बाप को मालूम नहीं, बहन को मालूम नहीं, छुपा के रखे रूम में सब हथियार। अनीस को फ़ोन किया कि जरा अपने हथियार वापस ले लो, मुझे डर लग रहा है। तो जब ये लोग लेने आए वापस, अबू सलेम और ये सब, अबू सलेम भी साथ में था, जब लेने आए तो उसने एक वेपन रख लिया, फिर भी लालच आया कि सब लेके जा रहे तो लेट लेके रख लो, काम आएगी कहीं। जब इसके घर में हथियार रखे गए तभी ब्लास्ट नहीं हुआ था बॉम्बे में,
अगर कहीं उन दिनों में पुलिस को बता देता संजय दत्त के मेरे घर में ऐसे ऐसे कुछ लोग आए थे, हथियार रख के गए हैं, तो पुलिस अलर्ट हो जाती, शायद ब्लास्ट नहीं होता। तो लेकिन इन्होंने सोचा ही नहीं देश के बारे में, इन्हें कुछ इतने बड़े हथियारों का जखीरा घर में रखा हुआ और पूछा भी नहीं कहाँ से आया, किस पर्पज़ के लिए आया। उसी दिन मैंने स्टोरी टाइप करके दे दिया। राजेश शर्मा मेरे एडिटर थे उस टाइम पे, तो स्टोरी छपी संजय हैज अ गन, तूफान हो गया बॉम्बे में। नेक्स्ट डे टाइम्स ऑफ इंडिया ने स्टोरी छाप दी कि ये डेली की स्टोरी गलत है। नेक्स्ट डे मुझे 1.5 करोड़ का नोटिस आ गया श्री राम जेठमलानी जी के ऑफिस से, एस वी जय सिंघानी उनके बहुत बड़े वकील थे, उनका साइन किया हुआ कि आपने सुनील दत्त और संजय दत्त को मलाइन करने की कोशिश की है, तो आइंदा कोई स्टोरी छापेंगे तो हम आपके ऊपर ये केस करेंगे। राम जी इज़ लाइक गॉड फादर टू मी, बहुत सालों से उनसे रिलेशन है। मैंने कहा राम जी ऐसे ऐसे आपका ऑफिस नोटिस है, उनको मालूम ही नहीं था। बोले अरे बेटा बलजीत, हमें वहाँ से पैसा मिलता है, हमारा काम है, नोटिस है, मेरा सिग्नेचर नहीं है तो फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक दो। मैंने राजेश शर्मा के सामने नोटिस फाड़ा और रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। तो दूसरे दिन हमने उसका फॉलो अप छापा, जो मेरी संजय से बातें हुई थी वो नेक्स्ट फॉलो अप डे में मैंने छापी सब। फिर दूसरा नोटिस आ गया और 1.5 करोड़ का, 3 करोड़ के 2 नोटिस हो गए। तो फिर राजेश शर्मा घबरा गया, यार कुछ सिद्ध कैसे करेंगे, पुलिस बोल नहीं रही है, चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं बोल रहा, होम मिनिस्टर कुछ नहीं बोल रहा, सब पेपर वाले डिनाई कर रहे हैं, तुम बार बार छापते जा रहे हो तो उनका नोटिस आ रहा है, तकलीफ आ जाएगी न्यूज़पेपर को। तो 19 तारीख को सुबह सुबह 4:30 बजे आया संजय दत्त मेरे चीज से वापस, क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट कर लिया। तो जब सब रिपोर्टर सोए हुए थे, मैं 8 बजे संजय दत्त को क्राइम ब्रांच के ऑफिस में रिसीव किया। उसको ऐसा कोई न्यूज़पेपर में, किसी न्यूज़पेपर में कोई खबर नहीं छपी थी कि संजय के घर से RDX मिला। RDX मिला था बॉम्बे से 80 मील बाहर, वो भी अरू पटनायक ने पकड़ा था, 3000 किलो वहाँ से RDX निकला था सर। मैं खाली संजय को सिर्फ एक बार बतानी चाहूँगा, ही इज़ अ नाइस पर्सन एट हार्ट। वो जब लॉकअप में था तो मैं ये ब्लास्ट केस में, तो मैं रोज़ उसको मिलता था लॉकअप में। तो 3-4 दिन के बाद यहाँ तक कि मुझे बोलता अंकल मेरे को नींद नहीं आती, मुझे तकिया नहीं देते पुलिस वाले, मेरे को पुलिस की तकिया तो मंगवा दो कहीं से एक पिल्लो। छोटे छोटे 2 पिल्लो थे मेरी गाड़ी में, मैंने ड्राइवर को बोला इसको दोनों निकाल के दे दे। उसी दौरान इसने मेरे से इतनी बातें की संजय ने, अपने घर की, अपनी पर्सनल लाइफ की। उसमें मतलब सबसे बड़ी बात ये थी, संजय बोला कि मैं आई एम ए विक्टिम ऑफ फैमिली वायलेंस। ये मेन उसका क्रक्स था उस स्टोरी का जो छपी थी उस ज़माने में। और बोलते मेरे घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने अपने बदन पे नहीं खाई, चम्मच कड़छी कढ़ाई से लेके सोटी हॉकी बैट सब मैंने बर्दाश्त किए हैं, इतनी मुझे मार पड़ती थी। मैंने कहा तुम इतने शरारती थे इसलिए मार पड़ती हो? कि बोलते नहीं मैं ड्रग एडिक्ट था, मैं किसी की सुनता नहीं था, ना बाप की सुनता था ना माँ की सुनता था, ऐसी बातें इसने सब की हुई थी। तो उस तभी मुझे लगा कि संजय की जो मेंटल एज है वो तकरीबन 10-15 साल उसकी असली उम्र से कम है। आई सिंपैथाइज विद हिम। मैं उसको सिर्फ एक ही मैसेज दूंगा कि संजय अतीत को भूल जाओ, फॉरगेट द पास्ट। एक छोटी सी फैमिली बची है, एक तुम्हारी पहली बीवी से बेटी है, उसको साथ में रखो, करो, लिव लाइफ एज ए न्यू लाइफ।